और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शाहिन पब्लिक स्कूल फुल एंड टुडे द लेसन हाउ टू यूज द गूगल क्रोम एज कैलकुलेटर। तो बिना किसी ताखिर के चलते हैं अपने लेसन की तरफ और आपको बताते हैं कि आप गूगल क्रोम को एज अ कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका ऑनलाइन रहना जरूरी है, आपकी इंटरनेट मौजूद हो। उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस करता हूँ 5 प्लस 5। जैसे ही मैंने 5 प्लस 5 किया तो आपके सामने आंसर नजर आपको आ गया होगा। अगर हम यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो आपको आंसर नजर नीचे आ रहा होगा। आप इस तरह से कुछ भी यहाँ पर एज अ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।